हेलो गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी फॉर लाइफ के यूट्यूब चैनल पर। आइए, आप सब बड़े इंग्लैंड अच्छे से विन भी कर रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वुमेन्स के बीच जो आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा है अपना T20, उसके बारे में बात करने वाले। देखो, दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम काफ़ी हद तक दोनों सेम ही टीम है, ठीक है। ज़्यादा मतलब डिफरेंस की बात नहीं है, दोनों ही अपने दो दो मैच जीत कर आ रही है रिसेंट, जो दो मैच खेले, ठीक है, दो में से दो मैच जीतते हुए आ रही है। एंड दोनों टीम की बात करें, क्या पॉसिबल 11 रहने वाली है, प्लस ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के क्या से प्लेयर आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, एंड स्मॉल लीग में कौन सा सेफ कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो या रिस्की कैप्टन के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तक देखना, जरा भी स्किप मत करना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बात करते हैं अपने मैच की। तो देखो, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया वुमेन्स के बीच ये मैच खेला जाने वाला है। 6:30 PM इसकी डेल रन रहने वाली है, ठीक है। वेन्यू की बात करते हैं, इस वेन्यू पर देखो दो मैच हुए, ठीक है, दोनों के दोनों ने सेकंड बैट करते हुए यहाँ पर चेस करते हुए टीम ने जीते दोनों मैच, ठीक है। वहीं पर स्कोर की बात करो तो 108 के अराउंड यहाँ पर रन बनते हैं वुमेन के, याद रखना मैन के नहीं है, ठीक है। 108 के अराउंड यहाँ पर रन बनते हैं फर्स्ट बैट करते हुए। एंड वहीं पर रिसेंट मैच की बात कर ले, दो ही मैच है यहाँ पर रिसेंट। तो देखो, 16 फेब को खेला गया था, जो अभी खेला गया था अपना पिछला, श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच था, जहाँ पर पेसर ने 7 विकेट निकाले थे और स्पिनर ने यहाँ पर 1 विकेट ही निकाले थे। एंड सेकेंड मैच की बात कर तो 14 फेब को खेला गया था, जो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही था, जहाँ पर देखो पेसर ने 4 विकेट निकाले थे, स्पिनर ने यहाँ पर 1 विकेट ही निकाले थे, ठीक है। तो दो मैच हुए, दोनों को है ना ऑस्ट्रेलिया ने चेज करते हुए विन किया, ये बात याद रखना, ठीक है। एंड वहीं पर पेसर को थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिला है कंपेरिजन टू स्पिनर, ठीक है। एंड वहीं पर टीम वो विकेट की बात कर तो देखो, पेसर ने यहाँ पर 11 विकेट निकाला है, एंड स्पिनर की बात करो तो स्पिनर को ओनली यहाँ पर 6 विकेट ही मिले, ठीक है, मतलब डबल विकेट मिली पेसर को। तो थोड़ा सा पेसर को पिच है ना फेवर करती है पेसर को, तो थोड़ा क्या कर सकते हो ना आप, थोड़े अपने टीम में पेसर ज़्यादा ले सकते हो, एंड जो स्पिनर है वो क्वालिटी स्पिनर आप यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो, अदरवाइज स्पिनर को आप यहाँ से ड्रॉप करके चल सकते हो, पेसर के ज़्यादा पेसर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे के चलना, ठीक है, कल के लिए। अब बात करते हैं पॉसिबल 11 की। तो देखो, इंडिया की बात करें तो सैफ अली वर्मा और मंदाना, ठीक है, दोनों ओपन करते हुए आपको दिख जाएंगे। एंड वहीं पर देखो, सैफ अली वर्मा की बात करें तो सैफ अली वर्मा का एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हर मैच में ना ये अपने ओवर डाल के जा रही है, 2 से 3 ओवर इनसे डलवाए जा रहे हैं हर मैच में, ठीक है, एक मैच की बात नहीं कर रहा, हर मैच में इन्होंने ओवर डाले, 2 से 3 ओवर मैच ओवर डाल रहे, ठीक है, वो चाहे वहाँ से आर यादव या फिर किसी ना किसी का ओवर कट के इन ये डाल जाती है 2 से 3 ओवर, ठीक है, हमेशा डालती है, ये याद रखना। ओपन भी करेगी तो क्या पता एक आधी विकेट भी चटका दे तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। एंड वहीं पर बात करें मंदाना की, तो लेफ्ट आर्म बैट करती है, अगर इनकी 3-4 रिसेंट फॉर्म देखे तो भाई ऐसा लगता है कि भाई इनको ड्रॉप करके चले, ठीक है, बट है ना मैं बोल रहा हूँ कि भाई कल के लिए इसको वाइस कैप्टन तक आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि भाई इस वेन्यू सॉरी वेन्यू कह रहा हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे ना आप मंदाना के, बड़े गजब के रिकॉर्ड हेड टू हेड खेलते हुए मंदाना ने, बहुत रन मारे हुए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, ठीक है। तो कल के लिए मस्ट पिक रहने वाली है मंदाना। एंड वहीं पर बात करें तो रोड्रिग्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड हरमित कौर आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है ना बात क्या, आप स्मॉल लीग में दोनों में से आप एक को ट्राई करके चल सकते हो, अगर यहाँ से सैफ अली वर्मा और मंदाना दोनों में से ले रहे हो तो यहाँ से आप एक ही ट्राई करके चल सकते हो। रोड्रिग्यूज की बात करें तो पिछला मैच जरूर 1 रन बनाया था, उससे पिछले में मैच विनिंग पारी खेली थी 53 रन की, एंड उससे पिछले में लॉस वो फ्लॉप थी, उससे पिछले में विन मतलब अच्छे रन बनाए थे, ठीक है, तो अप डाउन रहता है। तो होप है कि कल भी भाई कल आप कल इनकी तरफ से भी अच्छा वो क्रिकेटर देखने को मिल सकता है। एंड वहीं पर कोर की बात करें तो कोर भाई देखो तेज खेलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, तेज खेलती है ये, इनको मतलब वो नहीं है कि भाई इनको लंबी पारी चलाना है, लंबी पारी चलाने वाले प्लेयर नहीं है, तेज खेलती है एंड उन्हीं चक्कर मारने के चक्कर में ही जल्दी चल जाती है। आप इनकी रिसेंट फॉर्म भी देख ही सकते हो, जैसे 33-32, ठीक है, 16-21, ऐसे मतलब तेज़ खेलती है, ठीक है, इनका काम है तेज इनिंग को थोड़ा पेस प्रदान करना, ठीक है, वो वाला सीन थोड़ी हिंदी ज़्यादा होगी पता है मेरे को, ठीक है। इनका इसको आप स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहता है हरमिंद कौर का, इसलिए थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, कल के लिए बढ़िया रहने वाली। वहीं पर रिचा घोष की बात करें तो भाई रिचा घोष ने जो 2 इनिंग खेली ना रिसेंट, बड़ी गजब की इनिंग खेली, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ ना, यहाँ से मंदाना भी नहीं चली, सैफ अली वर्मा भी जल्दी निकल गई थी, एंड रोड्रिग्यूज भी पिछले मैच में जल्दी चली गई थी, ठीक है, हरमिंद कौर भी जल्दी निकल गई थी, तो क्या हुआ था रिचा घोष के ऊपर सारा बर्डन आ गया था, तो रिचा घोष ने पूरी इनिंग एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलाई थी, एंड वहीं पर मैच विनिंग पारी भी खेली थी, दोनों की दोनों नॉट आउट रही थी दोनों इनिंग में, ठीक है। वहीं पर बात करें दीप्ति शर्मा की, दीप्ति शर्मा का सिंपल सा रिकॉर्ड है,
हर मैच में इनको विकेट निकालनी रहती, वो हमेशा मिलती, कभी भी विकेट लेस नहीं जाती, तो परफेक्ट रहती कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस। ठीक है, आप देख ही सकते हो एक भी मैच में भाई विकेट लेस है ही नहीं ये बंदी, एक भी मैच में विकेट लेस नहीं है। बट अब बैटिंग आती है तो बैटिंग से भी थोड़ा बहुत पॉइंट आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं, वैद्य आ जाती है, वस्त्रकार आ जाती है। इनका देखो ये पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, पार्ट टाइम बॉलर है, ओवर पूरे कराओ मिले ना मिले वो थोड़ा रिस्क रहता है। एंड वहीं पर बात आता है आर ठाकुर की बात करें एंड आर यादव, ठीक है, आर ठाकुर की रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हो, अप डाउन रहती है, एक मैच में विकेट मिलती है, एक में नहीं मिलती, एक में मिलती, एक में नहीं मिलती, ठीक है, और जो मिलती है वो भी एक आधी में एक से ज़्यादा विकेट नहीं मिलती, एक साथ ज़्यादा विकेट आपको एक दो बार मिली है, एक बार तीन बार मिली है, ठीक है, बाकी में या तो एक विकेट मिली है या विकेट ले सके, ये वाला सीन है आर यादव, आर ठाकुर का। ठीक है, वहीं पर यादव की बात करें तो स्लो आर्म ऑर्थोडॉक्स डालती है एंड कल के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। ठीक है, पिछले मैच में इसके है ना मतलब ओवर काट देते, इसके ओवर किसने डाल देते वह उसने, इसके ओवर यार सारे सारे मतलब एक ही इसने डाला था, ठीक है, तीन ओवर इसके सैफली वर्मा डला दिया था, सैफली वर्मा, मेरे को समझ नहीं आया भाई कौर ने क्या कैप्टनसी करी, कहाँ दिमाग लगाया, मेरे को वो सीन कुछ समझ नहीं आया जो इसके ओवर काट के सैफली वर्मा ने डाल दी। ठीक है, उससे पिछले मैच में पूरे ओवर डाले थे, दो विकेट मिली थी, फिर उससे में एक मिली थी, उसमें भी एक मिली थी, फिर जीरो क्यों मिली थी, एक ओवर डाला, ठीक है, मतलब जो ओवर कट रहे हैं और यादव के ज़्यादा कट रहे हैं। वहीं पर बात करें गायकवाड़ की, ये भी स्लो आर्म वो सॉरी लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स डालती है, ठीक है, इनका भी थोड़ा रिकॉर्ड अप डाउन रहता है, ज़्यादा इनको बताने के लिए है नहीं। ठीक है, बात करें अब इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो देखो भाई सैफली वर्मा एंड मंदाना, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाली है कल के मैच में, मैं बता रहा हूँ मंदाना को भूल के भी मत छोड़ देना, क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म छोड़ के देख के ना मतलब काफ़ी लोग क्या करेंगे कि मंदाना को ड्रॉप करके चलेंगे, बट आप लेके चलना मानो तो, क्योंकि इनके भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड बड़े गंदे हैं, बहुत गंदे तरीका से इन्होंने मारा है अगेंस्ट वो सॉरी इंग्लैंड के बॉलर को, बहुत गंदा मार रहा है। वहीं पर बात कर रोड्रिग्यूज भी इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, या तो रोड्रिग्यूज और मंदाना और सैफली, ठीक है, या ये तीन ले सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो आप कोर को ट्राई करके चल सकते हो रोड्रिग्यूज की तरफ से। ठीक है, मेरी मानो तो कोर को थोड़ा ऊपर रख के चलना कल के लिए, ठीक है, थोड़ी इनिंग में तेजी तेजी रन बनाती हुई दिख जाएगी कल आपके लिए, एंड इंपॉर्टेंट भी रहने वाले, ठीक है, एंड बात करें ऋचा घोष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, दीप्ति शर्मा एंड यहाँ से या तो आर यादव और गायकवाड़, इन दोनों को ट्राई कर लेना, या फिर आर यादव को भी आप अकेले ट्राई करके चल सकते हो। बेंच प्लेयर की बात करें तो भाई तुम देख ही सकते हो ये बेंच प्लेयर, ठीक है, ज़्यादा मेरे हिसाब से चेंज करने को आपको दिखेंगे नहीं, चेंज अगर करते तो आप रिसेंट फॉर्म यहाँ से देख कर चल सकते हो। ठीक है, वहीं पर इंग्लैंड बैट्समैन की बात करें तो यहाँ से वाइट और डंकली, ठीक है, दोनों ओपन करते दिख जाएगी, वाइट कल के लिए मस्ट पिक रहने वाली है, इनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं अगेंस्ट इंडिया एंड फॉर्म में भी थोड़ी ख़राब है, बट कल के लिए मस्ट ये भी रहने वाली है। वहीं पर बात करें डंकली की, तो डंकली के रिसेंट फॉर्म देखे तो देखो काफ़ी हद तक बढ़िया है, बट कल के लिए थोड़ा सा ना अगर रिस्क ले रहे हो तो भाई ड्रॉप करके कैप्सी वगैरह वो ट्राई कर लेना, आपके लिए मस्ट पिक रहने वाली कैप्सी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है स्काई वार आ जाती है एंड वहीं पर नाइट आ जाती है, ठीक है, इनके बारे में भाई देखो सर स्काई वार के बारे में बता दूँ, जो स्काई वार का वो सीन नहीं चल रहा जो पहले मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाली थी, ठीक है, उनकी जगह आप ब्रंट वगैरह ने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती है वो कंपेरिजन टू स्काई वार, ठीक है, स्काई वार का क्या है ना मतलब विकेट वगैरह मिल नहीं रही, पूरे ओवर भी डाल नहीं रही, ठीक है, हमेशा दो से तीन ओवर डालती है एंड पूरे विकेट भी मिलने के बहुत कम चांस है, तो अगर रिस्क ले रहे तो भाई या तो इस ब्रेंट को ले लेने या फिर स्काई वार, ठीक है, इन दोनों में से आप एक ही ले पाओगे, किसी को भी आप यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। एंड वहीं पर जोन्स की बात करें तो जोन्स का रिसेंट फॉर्म कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, आप देख ही सकते हो, ठीक है, वहीं पर उनके बाद आ जाते हैं इक्लोस्टन आ जाती है, इक्लोस्टन भाई हर मैच में तीन तीन विकेट निकालते हैं, तीन तीन जीरो दो दो जीरो दो दो दो, ठीक है, मतलब मस्त है सब भाई, क्या इनकी फॉर्म जो चल रही है बड़ी खतरनाक चल रही है, हर मैच में इन्होंने विकेट निकाल रखे हैं, कम से कम दो से तीन विकेट ये हर मैच में विकेट निकाल के चल रहे, ठीक है। वहीं पर बात आता है डेन की बात आते तो राइट आर्म बॉल ये भी डालती है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स ही बॉल डालती है, ये भी इनके भी थोड़ा यही रहता है, दो जीरो रिसेंट फॉर्म आप देख ही सकते हो। उनके बाद ग्लेन है लेफ्ट आर्म बॉल डालते हैं एंड उसके बाद आ जाते हैं बेल, ठीक है, राइट आर्म मीडियम डालते हैं जी बेल भी, एक एक इनिंग को छोड़ दे तो हर इनिंग में यहाँ से विकेट निकाल रहा है, फिर उससे पीछे दो इनिंग में विकेट नहीं मिली थी, ठीक है, उसमें विकेट लेस गई थी। अब बात करें देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो वाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है एंड यहाँ से कैप्सी और डंकली, ठीक है, तीनों को ट्राई कर लेना, यहाँ से क्या करना है स्काइवर को आप ड्रॉप करके चल सकते हो कल के लिए, कैप्सी और डंकली, ठीक है, तीनों को आप यहाँ से ट्राई करके चल लेना। एंड वहीं पर बात करें ब्रंट भी आपके लिए मस्त पिक रहने वाले, एक
इक्लस्टन भी आपके लिए मस्ट पिक रहने वाली है कल के लिए, ठीक है। ये तो तीन चार प्लेयर है जो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल के बेंच प्लेयर में कुछ ये प्लेयर रहने वाले हैं, ठीक है, देख लेना। अगर कोई चेंज हो जाता है तो आई थिंक चेंज होते हुए आपको दिखेंगे नहीं, बट देख लेना अगर चेंज हो जाए तो यहाँ से। वहीं पर हेड टू हेड की बात करें तो भाई 28 मैच हुए हेड टू हेड इंडिया और इंग्लैंड के बीच, ठीक है। इंडिया ने ओनली 7 मैच जीते जहाँ पर इंग्लैंड ने 19 मैच जीत रखे अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक बहुत भारी पड़ती है इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड। और काफ़ी मतलब दो तीन प्लेयर ये जो मतलब वो क्या बोलते हैं अपने फॉर्म वगैरह में रहते हैं, बट वो ये कि देखते कल क्या होगा, ठीक है। थोड़ा बताने के लिए मज़ेदार भी रहेगा। देखो हेड टू हेड उसकी प्लेयर लीडर्स की बात करें तो मंधाना सबसे ऊपर है, 17 मैच में 608 रन बना रखे हैं 17 मैच में, ठीक है। मंधाना इसलिए बोल रहा था कि भाई रिसेंट फॉर्म को भूल जाना कल के लिए, हेड टू हेड में थोड़ा ध्यान देना। एंड वहीं पर वाइट आ जाती है, 19 इनिंग में इन्होंने 583 रन बना रखे। कोर ने भी 22 में 427 और 23 का एवरेज है, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ी तेज़ खेलेगी। स्काइवर ने 14 मैच में 325 रन बना रखा। वहीं पर नाइट ने भी 12 इनिंग में 213। एंड वहीं पर जोंस आ जाती है 11 में 13। दीप्ति शर्मा ने भी थोड़े बहुत रन बना रखे 12 में 148। वहीं पर डंकली आ जाती है 7 में 153 रन इन्होंने भी बना रखा, ठीक है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की तो मंधाना ऊपर है, ठीक है, मस्ट रहने वाली है आपके लिए। एंड वहीं पर वाइट भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है और हरमिंद कौर भी आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। कहाँ से बैटिंग सेक्शन से निकाल कर आती है तीन, ठीक है, तीन आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इन तीनों के ऊपर। वहीं पर बात करो बॉलिंग सेक्शन की तो देखो ब्रुट ने 18 में 23 विकेट निकाल रहे हैं। वहीं पर दीप्ति शर्मा ने 15 में 13 एंड इक्लस्टन ने 11 में 12 और आर्य यादव ने 12 में 10। यहाँ से ग्लेन ने 8 में 8 और नाइट में 6 में 7। एंड वहीं पर स्काइबर ने 14 में 7 विकेट निकाल रहे हैं। इसलिए बोल रहा था स्काइबर पर थोड़ा ध्यान कम देना, ठीक है, ना तो ये बैटिंग से ना बॉलिंग से किसी से भी आपके लिए कल के लिए कामयाब मतलब कुछ पॉइंट देख के नहीं जा सकती, तो थोड़ा रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाईलाइट की बात करो तो ब्रुंट आपके लिए मस्ट पिक रहने वाली है। वहीं पर दीप्ति शर्मा एंड वहीं पर इक्लिस्टन और यहाँ से आर्य यादव, ठीक है, चार आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले कल के लिए। ये तो हो गए पॉसिबल 11 प्लस वेन्यू स्टैट्स वगैरह। अब बात करते हैं अपनी टीम की, तो देखो अब टीम की बात करते हो, ऋचा घोष मैंने कीपिंग सेक्शन से लिया। आप जोंस वगैरह के साइड से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है, मेरे को लगता नहीं उसकी बैटिंग आ सकती है। घोष आपके लिए मस्ट पिक रहने वाली कल के लिए। वहीं पर वाइट लिए, ठीक है, बैट्समैन की साइड से कौर है, मंधाना है, सैफली वर्मा है। मैंने यहाँ से क्या किया है, कौर की जगह रोड्रिग्यूज आपको चाहिए तो ट्राई कर लेना, मैं कौर के साइड जाऊँगा, ठीक है। वहीं पर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हो, ब्रुंट है, दीप्ति शर्मा है, कैप्सी है, ठीक है, तीनों ऑलराउंडर लेकर चलो, तीनों ही कंफर्म है मेरे लिए। मैं इसमें ऑलराउंडर सेक्शन में चेंज करने वाला नहीं हूँ कल भी। वहीं पर बॉलर की बात करता हूँ, इक्लिस्टन है, गायकवाड़ और आर यादव, ठीक है, ये तीन बॉलर लेकर चलो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करो तो दीप्ति शर्मा मेरे लिए कैप्टन अभी के लिए और मंधाना मैंने वाइस कैप्टन रखे, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब सेफ वगैरह जा रहे हो या रिस्क ले रहे हो तो कैप्सी को भी आप ट्राई करके चल सकते हो कल के लिए। कैप्सी भी आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले वाइस कैप्टन रहे। एंड वीडियो देखो ये फाइनल नहीं, फाइनल आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चल सकते हो।